नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित और मेरे साथ हैं हमारे सीनियर एडिटर अतुल एहसास जी और हम हाजिर हैं खबरों की खबर लेने के लिए। खबरों की खबर में सबसे पहले बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान का भाषण होना है। भारतीय समय के मुताबिक आज शाम को कार्यक्रम शुरू होगा, तो वहीं आज पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे का आखिरी दिन भी है। तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बोल रहे होंगे तो उसके तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का भाषण है 10वें नंबर में जी। अब जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो आतंकवाद पर जरूर बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। और जहां आतंकिस्तान ऐसा कोई मौका छोड़ना भी नहीं चाहते वो जी जी ऐसा कोई मौका छोड़ना भी नहीं, छोड़ देंगे जहां आतंकिस्तान के आका मौजूद हो उनके सामने। अच्छा, ये नया वर्ड दिया आपने, आतंकवाद के आका, आतंकिस्तान के आका। तो जब वहां वो मौजूद होंगे तो आतंकवाद पर वो कैसे उनको छोड़ देंगे, और सबसे बड़ी बात यह है नाम भी नहीं लेंगे प्रधानमंत्री मोदी की, जो खासियत रही है। अच्छा हाँ, ये मोदी की एक खासियत तो हरदम रही है कि वो भिगो के मारने में माहिर है, मतलब भिगो के जैसे लपेट के मारते हैं ना वैसे मारने में माहिर है वो। कहीं से कहीं तक सामने बैठे हुए इमरान खान को कहीं अपने इंगित नहीं करेंगे जी। पर आतंकवाद पे सारी बात कह डालेंगे, सबसे बड़ी बात एक चीज़। दूसरा सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, जिस तरीके से मोदी ने अपने तरीके से आतंकवाद को खत्म करने के लिए जितनी सारी परिधियां खींचनी थी वो सारी खींच डाली, बिल्कुल, और विश्व स्तर पर खींच डाली। ऐसा नहीं कि केवल हिंदुस्तान की बात कर, विश्व इस चीज को मानने लगा है, और जिस तरीके से विश्व मानने लगा है तो आज जब ये भाषण होगा, लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की बात नहीं करेंगे, अब बिना जम्मू कश्मीर के आतंकवाद को कैसे बात करेंगे, तो वैश्विक स्तर पर आतंकवाद की बात करें सबसे बड़ी बात है। हो सकता है वो बात करें यमन की बात करें, वो बात कर सकते हैं, इसराइल की बात कर सकते हैं, वो ईरान की बात कर सकते हैं, इराक की बात कर सकते हैं, नाइजीरिया की बात कर सकते हैं, अमेरिका में चल रहा, ब्रिटेन में चल रहा, जापान में चल रहा, यहाँ जहाँ जहाँ पे भी आतंकवाद की नज़र है उस पर बात कर सकते हैं, और वहाँ से घुमाते हुए हिंदुस्तान पे आ सकते हैं। बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी उनकी आज हो सकती है। जिस तरीके से सूत्र ये बताते हैं कि आतंकवाद पे बात तो करेंगे पर जम्मू कश्मीर पे बात नहीं करेंगे, अब ये क्या होगा ये तो एक बड़ा सोचने वाला बिंदु है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। अब जो भी बात होगी वो शाम को भारतीय समय अनुसार तकरीबन 7:30 बजे होगी, लेकिन उससे पहले हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं। इस बार पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे का आखिरी दिन, यूएनजीए को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, आमने सामने होंगे मोदी और इमरान खान, यूएन में मोदी बोलेंगे दुनिया सुनेगी, सबसे बड़े मंच से आतंक पर सबसे बड़ा वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र को संबोधित करेंगे, तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का भाषण भी संयुक्त राष्ट्र में आज ही होना है। पीएम मोदी के भाषण के दौरान इमरान खान भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक सत्र में पीएम मोदी 7वें और इमरान खान 10वें नंबर पर भाषण देने के लिए आएंगे, तो वहीं हर नेता को अपने भाषण के लिए यूएनजीए में 15 मिनट का समय मिलेगा। महासभा में वक्ताओं की प्रारंभिक सूची के अनुसार करीब 112 राष्ट्रीय अध्यक्ष, करीब 48 शासन अध्यक्ष और 30 से अधिक विदेश मंत्री महासभा को संबोधित करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। आम चर्चा 24 सितंबर से आरंभ होकर 30 सितंबर तक चलेगी। शांति और क्षेत्र विकास पर होगा पीएम मोदी का फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का नाम लिए बिना संयुक्त राष्ट्र के मंच से दुनिया को आतंकवाद, विश्व शांति जैसे अहम मुद्दों पर संदेश देंगे। मोदी के बाद पाकिस्तानी पीएम इमरान खान इसी मंच से अपनी बात रखेंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो कश्मीर मुद्दे पर बात करेंगे। अगर पाकिस्तान की ओर से भारत या कश्मीर पर कुछ कहा जाता है तो इसके बाद भारत के पास राइट टू रिप्लाई के तहत अपनी बात रखने का मौका होगा। मोदी 2014 में भी दे चुके हैं भाषण। यूएनजीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा भाषण होगा। इससे पहले साल 2014 में उन्होंने यहाँ भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र में भारत मुखर होकर अलग अलग विषयों पर हमेशा अपना पक्ष रखता आया है। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सितंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 71वें सत्र में पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर कड़ी चेतावनी दी थी। उनके इस भाषण की खूब चर्चा भी हुई थी। विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी सुषमा स्वराज की प्रशंसा की थी। हाउडी मोदी के बाद ताबड़तोड़ कार्यक्रम।
आपको बता दें कि पीएम मोदी 31 सितंबर से अमेरिका दौरे पर हैं। वे सबसे पहले ह्यूस्टन पहुंचे थे और हाउडी मोदी कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया था। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मंच साझा किया था। ह्यूस्टन के बाद पीएम मोदी न्यूयॉर्क पहुंचे और यहां पर वो ताबड़तोड़ बैठकें ले रहे हैं। अपने दौर में पीएम मोदी दो बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी कर चुके हैं। तो वही डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की वार्ता हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आतंकवाद और पाकिस्तान के मसले पर कहा है कि इससे पीएम मोदी खुद ही निपट लेंगे। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फादर ऑफ इंडिया भी बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज इंडिया के लिए तरन्नुम जहां शेख की रिपोर्ट। तो सर ये पूरा आज का कार्यक्रम है उनका। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर से अमेरिका में हैं और आज आखिरी उनका वहां पर सात दिन का जो दौरा था आज खत्म हो जाएगा, लेकिन जाते जाते भी वो कहीं ना कहीं आतंकिस्तान को लपेटे में ले लेंगे। जिस तरीके से बात की जा रही है कि आतंक के मुद्दे पे केवल भारत पे बात नहीं करके विश्व स्तर पे बात करेंगे, विश्व शांति की बात करेंगे। यूएनओ में जिस तरीके से बात होती रही है, आज तक विश्व शांति को लेकर बात होती रही है। देखिए, आतंकवाद से सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित हुआ है तो हिंदुस्तान हुआ है। बिल्कुल, अगर मरने वालों के आतंकवाद से मरने वालों की फहरिस्त को उठा के देखा जाए तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोग मरे। परंतु आप एक चीज़ और देख लीजिए, जिस तरीके से गाय भगाए, अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका में एक हमला हुआ, स्कूल में हमला हुआ था, उससे पहले एक और टेक्सास में भी शायद एक हुआ था। इन सारी चीज़ों को लेकर एक चीज़ समझ में आती है कि आतंकवाद का कोई जात और धर्म नहीं है। आतंकवाद अंग्रेज भी हो सकता है, आतंकवादी एक हिंदुस्तानी भी हो सकता है और एक पाकिस्तानी भी हो सकता है। परंतु जो आतंकवाद की जड़ है, वो जड़ अक्सर पाकिस्तान को माना जाता रहा है और पाकिस्तान के साथ जब उस बात को जोड़ा जाता है, क्योंकि वो उसके प्रमाण मिलते हैं वहाँ से, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते। अमेरिका का ट्विन टावर आज भी उस चीज़ का गवाह है जी, कि उसमें कहीं ना कहीं उस आतंकवाद को उन्होंने किया। वो अलग बात है कि अमेरिका ने लादेन को पाकिस्तान से उठाया और समुंदर में दफन कर दिया, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो उसका अपना एक स्ट्राइक करने का तरीका था, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको अगर देखा जाए और इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो मोदी का एक अहम रोल होगा आज के दिन में, क्योंकि हिंदुस्तान की उस सरजमी पे जहां पर आतंकवाद को लेकर हरदम पीड़ित रहा है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान, तो उस जगह की अगर बात नहीं करेंगे वो, तो सबसे बड़ी बात है। एक चीज़ और मैं जो बार बार बात कर रहा था आपसे कि जम्मू कश्मीर पर वो शायद बात ना करें जी, शायद ना करें जी। जम्मू कश्मीर पे इसलिए बात ना करें क्योंकि जब जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे पे इससे पहले ट्रंप और इमरान खान जब बैठे थे तब बात हुई थी कि वो कहीं ना कहीं बीच के समझौते में बैठना चाहते हैं। कल भी बोले थे। परंतु मोदी के रवैये से नहीं लगा कि कोई तीसरा पक्ष बैठे, क्योंकि ये मेरा आंतरिक मामला है, ये मेरे देश का आंतरिक मामला है, जिस हिस्से को मैं चाहता हूँ वो मेरा मामला है, कोई तीसरा क्यों उस पर बात करे, क्योंकि हम सक्षम है इस पर बात करने के लिए। और अगर हम सक्षम है तो फिर तीसरे की कहां जरूरत है। बिल्कुल। और पाकिस्तान को यह लगता है कि अगर ट्रंप या अमेरिका इसमें कहीं समझौते के लिए बैठता है तो वो अपने आप को सेफ महसूस करेगा, एक सेफ जोन में जाना चाहता है। परंतु मोदी इस सारी चीजों के बीच में कभी भी बात नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उनको ये पता है कि अगर सेफ जोन में पाकिस्तान चला जाता है तो जिस बात पर उनको उसको मनाना है उस बात पर वो नहीं मानेंगे। कई कई राजनीतिक विश्लेषक और बहुत सारे ज्योतिषियों का भी ये कहना है कि दिसंबर से पहले पहले कश्मीर भारत का हिस्सा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से प्रधानमंत्री वहां आज भाषण देंगे, देखिए वो जलवायु परिवर्तन पर बात कर चुके हैं, आतंक पर भी पहले बात कर चुके हैं, लेकिन वो जब पाकिस्तान अमेरिका के साथ, जब अमेरिका और इमरान खान और ये सब ट्रंप बैठे थे तब आतंकवाद पे बात तब बात हुई थी, लेकिन आज वो खुलकर न सिर्फ एक हिंदुस्तान की बल्कि पूरे देश में जो आतंकवाद एक बड़ी चिंता के विषय में उभर रहा है, आज उस पर बात की जाएगी और कहीं ना कहीं इस बातचीत के दौरान इमरान खान को आयना दिखा दिया जाएगा कि देखिए आप जड़ हैं, आप अब तो सुधर जाइए, पूरा देश पूरा विश्व परेशान है, हिंदुस्तान तो आपको भुगत ही रहा है, आपको जनक माना जाता है आतंकवाद का। देखिए एक चीज और है, एक और आपने कल जिस मुद्दे को उठाया था बैंक अकाउंट खोलने के लिए, जी जी, हाफिज सईद की बात हुई थी और हाफिज सईद के बैंक अकाउंट खोलने के लिए वहां यूएन में पैरवी की गई, क्यों लगता है ना सीधा सीधा संबंध है, आप कौन होते हैं उसकी बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद, आप क्यों उसके खान पीन की चिंता कर रहे हैं, आप क्यों उसके रहने की चिंता कर रहे हैं, आप क्यों सारी चीजों की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो एक इतना बड़ा मोहरा दिखता है जिसके लिए आप यूएन में बैठ के बात करेंगे उसके अकाउंट को खोल दीजिए, ताकि वो आतंकवादी के लिए बात, एक आतंकवादी के लिए बात कर रहे हैं जिसको यूएन ने आतंकवादी घोषित किया,
और आप उसी की पैरवी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो आप सीधी सीधी कहीं ना कहीं उस चीज की परिधि में तो आते ही है ना। और जब आप आते हैं और अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर उसके लिए कोई कटाक्ष करते हैं तो फिर गलत क्या है, फिर गलत क्या बोल रहे हो? क्योंकि आपने जिस तरीके से खुले मंच पे उसकी पैरवी की है तो उस पैरवी को हम कहीं ना कहीं ये तो माने ही ना कि आप आतंकवाद को शरण दे रहे हैं, शरण दे रहे हैं। और हम क्या है? ये पूरी दुनिया देख रही है। एक तरफ आप बातचीत करते हैं कि हम आतंकवाद को शरण नहीं दे रहे हैं, आप दुनिया को ये दिखाते हैं कि हमारा गलत प्रचार किया जा रहा है, दूसरी तरफ एक आतंकवादी की आप वकालत कर रहे हैं यूएन में जाकर, उसको कह रहे हैं कि भाई इनको। और शायद इमरान ने अभी थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट में कबूला भी है। जी कबूला है उन्होंने, उन्होंने उन्होंने तो बहुत कुछ कबूल लिया सर आप कश्मीर हिंदुस्तान का वो तो ये भी कबूल चुके हैं। हमारे विदेश मंत्री ने तो पहले ही कह दिया, उनके विदेश मंत्री ने तो कह दिया कि ये हिस्सा है, अभिनंग है, हम मानते हैं इसको भारत का अभिनंग है, परंतु वो ये पूंछ टेढ़ी 12 साल से परखनी में रखी हुई है। चलिए सर, अमेरिका में जब प्रधानमंत्री आतंकवाद पर बात करेंगे, भले ही वो विश्व के बात करें, भले ही वो कश्मीर को लेकर बात ना करें, लेकिन क्या पाकिस्तान इस मुद्दे पर बात कर सकता है कश्मीर पर? देखिए, पाकिस्तान के भाषण में कहीं ना कहीं अपने आप को संभालने की बात जरूर होगी। पाकिस्तान का जब भाषण होगा, वजीर आजम इमरान खान वहां पे बात करेंगे, तब वो कहीं ना कहीं अपने पक्ष की बात करेंगे, बोले हम खुद दुखी हैं। जी जी, हमारी अर्थव्यवस्था की हालत ये है, हम अंदर से गृह युद्ध की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे अंदर से हम अपने आप को स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे यहाँ महंगाई हो चुकी है, हमको अमेरिका साथ नहीं दे रहा, हमको पड़ोसी देश साथ नहीं दे रहे, ये सारी चीज़ों पे रोना रोएगा। और रोना जब रोएगा तो बात इतनी सी है कि उस रोने के साथ साथ उसको ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई में उस ठोस परिणामों के साथ और ठोस कहीं ना कहीं उन बातों के साथ वो बात कर पाएंगे क्या, क्योंकि मोदी पहले से सारे प्रमाण दे चुके हैं। बिल्कुल, तो उन प्रमाणों को काटने का आज बहुत सुनहरा मौका है इमरान खान के पास। अगर वो वाकई में वैश्विक स्तर पर अपनी वापस छवि बनाना चाहते हैं पाकिस्तान की, तो आज उनके लिए सबसे बेहतरीन मौका है। बिल्कुल बेहतरीन मौका है। लेकिन सर एक बात यहाँ एक और समझनी होगी, आज भले ही पाकिस्तान कुछ भी वहाँ कहे, आज भले ही मोदी कुछ भी वहाँ कहें, लेकिन पाकिस्तान की एक हालत ये है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था तो बिगड़ ही रही है। अब पाकिस्तान की जब पूरे विश्व में कहीं सुनवाई नहीं हुई तो पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आया था कि भारत हमसे बातचीत नहीं कर रहा है उससे कहिए कि हमसे बातचीत कर ले, हमें हमसे बात तो करे। तो ऐसे में कल जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने कह दिया ठीक है बातचीत होगी, लेकिन पहले आप आतंकवाद को साइड रखिए और बातचीत करनी है तो पीओके पर करिए, ये बोल चुका है। यानी कि अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये लग रहा है, नहीं बोल रहे हैं कि हम भारत से जीत नहीं पाएंगे, वो उनको दिख चुका है कि सारी परिस्थितियां इस वक्त उनके मुल्क के प्रतिकूल में हैं, उनके मुल्क की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, उनके मुल्क में लोग परेशान हैं, बलूचिस्तान में विद्रोह हो ही रहा है, पीओके में भी विद्रोह के सुर तेज होने लगे हैं अब, और वो वैश्विक स्तर पर काफी अपनी किरकिरी करा चुके हैं। अब इसके बाद अब वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रंप से भी भारत ने मना कर दिया कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। अब ऐसे में पाकिस्तान करे तो क्या करे, भारत से भी बातचीत करना चाह रहा है लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि दो टूक की बात होगी तो पीओके पर होगी, क्योंकि आपसे हम बहुत बार बातचीत कर चुके, बहुत सारे सबूत दे चुके। अब ऐसे में पाकिस्तान की कंडीशन एक इस तरह की हो गई है कि वो ना कह सकता है ना निगल सकता है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात क्या है कि पाकिस्तान बातचीत करने के मूड में है अगर, जी एक बात और भी देख लीजिए कि भारत ने बहुत सी बार बातचीत करने का मौका दिया, वही वही दिया ना पहले जी। जब जब बातचीत करने का मौका दिया गया तब तब आपने हमले किए जी हुए, तब क्यों आपको उस समय जिस आतंकवाद की जड़ आपके पास है, क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस आतंकवाद की जड़ जहां मेरे पास है, जिस सबसे बड़ी बात एक और है, इमरान खान के हाथ में है क्या जी? इमरान खान के हाथ में है क्या? है तो सब कुछ सेना के हाथ में, सेना चाहेगी वैसे बुलवाएगी, सेना ने पूरा एजेंडा बना के दिया होगा कि आपको ये लाइन बोलनी है, इससे बाहर नहीं जाना है, तो ये जो सारी चीजें हैं तो इसके पास हल है कहाँ? बातचीत करना अगर वो चाहते हैं तो बातचीत करें, बैठे बातचीत करें, और बातचीत करने का कोई हल निकलता है, और जो शर्तें हमारी हैं उन शर्तों पे बैठ के बात करें ना, कहाँ दिक्कत है आपको? अगर उन शर्तों पे बात होती है, भारत पाकिस्तान एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति फिर सुधरने लगेगी, पाकिस्तान फिर नए दौर पे वापस खड़ा होगा, और मदद भी करेगा, भारत मदद करेगा ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? क्योंकि आपकी जो आर्थिक जो संगठन है, जो आर्थिक आप लोगों के बीच में जो समझौते हैं, उन समझौतों पे बात होगी होगी, उसमें का नहीं बात है, बात करनी है तो शर्तों पे होगी, शर्तों पे होगी। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, पीओके जब मोदी ने ये ठान लिया या इस सियासत ने ये ठान लिया कि पीओके हमें लेना है,
तो मतलब लेना है, उसमें नई बात है ही नहीं कोई। बिल्कुल सर, चलिए आज क्या होगा 7:30 बजे, क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो 7:30 बजे देखा जाएगा क्या कुछ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, खींवसर विधानसभा सीट की बात करते हैं, जहां विधानसभा इस सीट से उपचुनाव में आरएलपी के उम्मीदवार नारायण बेनीवाल होंगे। आरएलपी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा कि नारायण बेनीवाल खींवसर सीट से आरएलपी के उम्मीदवार होंगे, जो 30 सितंबर को नामांकन दाखिल करेंगे। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि खींवसर और मंडावा सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत होगी और आगामी निकाय और पंचायत चुनावों में भी कांग्रेस को करारी शिकस्त देंगे। इससे पहले हम खुद नारायण बेनीवाल से बात कर चुके हैं, हमारे साथ वो जुड़े हुए थे, तो हमारा उनसे पूछना था कि आपको अब नियुक्त कर दिया गया है, चुन लिया गया है उम्मीदवार के तौर पर, हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई हैं, और सर ये सीटें वही हैं जिन पर रार हो गई थी, लेकिन अब समझौता हो गया, सुलझ गया। और देखिए कितनी जल्दी अब बेनीवाल ने जाके ऐलान भी कर दिया, दिल्ली में कल ही इस पर बात बनी है, और आज दिल्ली में जाके उन्होंने तो मौका चूकना नहीं चाहते, मौका नहीं चूकना चाहते, वो चाहते वो सोचने का मौका भी नहीं दे, सोचने का मौका भी ना दें और कहीं कुछ बाजी पलट ना जाए। हाँ। देखिए नारायण बेनीवाल को लाने के पीछे एक कारण सबसे बड़ा रहा, वही मैं पूछने वाला था, उसके पीछे रीजन है, खुद तो चले गए दिल्ली दरबार, पीछे राजस्थान की राजनीति को काबिज करने के लिए कौन, कौन हनुमान बेनीवाल के नाम को आगे चलाने वाला, कौन नारायण बेनीवाल, क्योंकि परिवार का सदस्य, बिल्कुल कहीं ना कहीं उस दबदबे को बरकरार रखने के लिए नारायण बेनीवाल का नाम लिया गया। बाकी और भी बहुत सारे लोग थे जिनका नाम लिया जा सकता था, जिनके नाम पे बात की जा सकती थी, परंतु हनुमान बेनीवाल ने एक ट्रम्प कार्ड खेला यहाँ कि वही हनुमान बेनीवाल जो परिवारवाद पे हरदम बात करते रहे, कांग्रेस पे कटाक्ष करते रहे, और आज उन्हीं के परिवार का एक सदस्य जब लोकसभा सीट उपचुनाव के लिए वापस, विधानसभा उपचुनाव के लिए वापस आता है, और वहीं पे उसका नाम वापस उनके भाई का नाम अगर आता है, तो ये एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी भी बन जाती है गठबंधन के अंदर कि क्या वाकई में ये जस्टिस हो रहा है, ये एक सबसे बड़ी बात। अब रही बात मंडावा सीट पर, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि नहीं हम इस उपचुनाव में हम समर्थन देंगे, हमारा गठबंधन है एनडीए का, ये सारी चीज़ें ठीक है, आप एक बाहुल है। फिर मैं कल भी आपसे इस बारे में चर्चा हुई थी जब हम न्यूज़ रूम में थे, तब मैंने एक ही चीज़ कही थी कि ये जातिगत समीकरण है सारे, इन जातिगत समीकरणों के बीच में गठबंधन हुए हैं। देखिए बीजेपी का राजस्थान के अंदर अपने अस्तित्व को वापस बरकरार करना, अपने अस्तित्व को वापस खड़ा करना, और वही राजस्थान की धरती जिसमें 5 साल एक सरकार जो हम बहुत समय से देखते आ रहे हैं, अगले 5 साल की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई गठबंधन के दौर पे या बाकी तरीके से। रही दूसरी बात कि कहीं ना कहीं जहां जहां अभी की सियासत है, अभी की जो सरकार है उसको घेरने की बात भी हरदम होती रही। अब इस गठबंधन के साथ साथ, अब बीजेपी के साथ साथ जो गठबंधन हुआ है, कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा दमदार दावेदार उतारा जाए जो कि इस गठबंधन के अंदर सेंधमारी कर सके, ये एक सबसे बड़ी कारण। बिल्कुल, लेकिन सर जैसा कि आपने कहा कि अपने भाई को उतार दिया, हनुमान बेनीवाल एक तरफ कहते थे भाई भतीजावाद पर प्रहार करते थे, कांग्रेस को इसको लेकर घेरते थे कांग्रेस को, वहीं बीजेपी इसकी सबसे ज्यादा खिलाफत करती आई है। बिल्कुल, बीजेपी कहती है कि हमारी पार्टी में कहीं भी भाई भतीजावाद नहीं है, परिवारवाद नहीं, परिवारवाद कहीं भी नहीं है समाजवादी पार्टी पर। उन्होंने हरदम अपने भाषणों में परिवार के ऊपर वो करते रहे, कटाक्ष करते, समाजवादी पार्टी पर हमला बोला इसको लेकर, सही है, मायावती पर हमला बोला उन्होंने इसको लेकर, कांग्रेस को इसी मुद्दे पर उन्होंने घेरा है अक्सर, लेकिन आज भले ही चुनाव छोटा है, लेकिन आज जब ये बात सामने आई तो वो विरोध क्यों नहीं कर सकी बीजेपी इस बात का। ठीक है, अब मैंने फिर वही कहा कि आप जिस गठबंधन की बात आप कर रहे हैं वो गठबंधन व्यक्तिगत विशेष होते हैं, और इन गठबंधनों पे जब व्यक्तिगत विशेष गठबंधन हुआ करते हैं तब कहीं ना कहीं व्यक्तिगत आकांक्षाएं और व्यक्तिगत कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं वहां पर मौजूद होती हैं, यही चीज यहां पे देखने को मिल रही है। बीजेपी अब कैसे करेगी अपोजिशन, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया है, अब वो सपोर्ट किया तो अब वो जिस आनंद फानन में उन्होंने नाम घोषित कर दिया, अब बीजेपी ये तो कह नहीं सकती हनुमान बेनीवाल को कि इस नाम को वापस ले लिया जाए, अगर इस नाम को वापस ले लिया जाए तो हनुमान बेनीवाल के नेचर से भी वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, वो एक यूनिट में खड़े खड़े कह देंगे नहीं नहीं करना आपके नहीं साथ करना, और नारायण ही वापस वही रार वापस चालू हो जाएगी सीटों पे, और जिस तरीके से वो बात करते रहे, जो उनकी शैली है बात करने की हनुमान बेनीवाल की, वो उसको प्रदर्शित कर देंगे अगर, तो वो अपने हिसाब से वो वापस इस गठबंधन को जीत वाली बात आ जाएगी यहां पर।
जिद वाली बात आ जाएगी, जिद वाली बात आएगी आएगी, और गठबंधन तो आएगा ही आएगा। मैंने कहा ना, हनुमान बेनीवाल अपने वर्चस्व की लड़ाई को इसी तरह लड़ेंगे, वो कहीं से कहीं तक अपने वर्चस्व की लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल। आपने जैसे कि आपने कहा कि राजस्थान को भी तो कोई संभालने वाला चाहिए था, राजस्थान की बागडोर वो किसी और के हाथ में नहीं देना चाहते थे, वो यानी कि वो ये भी नहीं चाहते थे कि इस बागडोर को मैं बीजेपी के हाथ में सौंप दूं, क्योंकि जो गठबंधन है उसका फ्यूचर क्या होगा, उसका भविष्य कहाँ छिपा हुआ है, ये भी नहीं कुछ पता। हालांकि अभी मजबूत है गठबंधन, लेकिन राजनीति में गठबंधन कहाँ कितने चलते हैं, कई गठबंधन आए और कई गठबंधन चले गए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी को ले लो, समाजवादी पार्टी मायावती को ले लो, बसपा को कितना मजबूत गठबंधन हुआ चुनावों में, जब जैसे ही हार का मुंह देखा टूट गया। ऐसे ही अगर इस गठबंधन का भविष्य हो सकता है उनको पता हो, और वो हो सकता है इस गठबंधन के सहारे वो अपनी पार्टी को राजस्थान में मजबूत करना चाहते हो। अब हनुमान बेनीवाल की बात करें जी, हनुमान बेनीवाल का शुरू से यही ध्येय रहा। अब देखिए, पहले उनका कांग्रेस में जाना तय था, जब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की पहले जब बात हुई थी विधानसभा चुनाव के समय में, कि वो कांग्रेस के साथ बैठ सकते हैं, कांग्रेस के साथ बात कर सकते हैं, कांग्रेस की बात करते, क्योंकि उस टाइम में उनकी सबसे धुर विरोधी वसुंधरा राजे हुआ करती थी। जब वसुंधरा राजे के धुर विरोध के साथ बात हो रही थी तब वो कांग्रेस की हरदम गीत गाया करते थे। पता नहीं क्या हुआ, प्रकाश जावड़ेकर से एक मीटिंग होती है जी, और उसके आधे घंटे बाद मालूम चलता है कि हनुमान बेनीवाल बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये जो अस्तित्व की लड़ाई है, इस अस्तित्व की लड़ाई के साथ देखिए, मैंने कहा ना, आपने कहा कि बीजेपी के ऊपर कमान सौंप सकते थे, कोई नहीं सौंपना चाहता। इसलिए नहीं सौंपना चाहता कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने क्षेत्र में डेवलप करने के लिए, अपने प्रभुत्व को जिंदा रखने के लिए कभी भी बड़ी पार्टी के साथ तभी मर्जर करते हैं जब उसकी सीढ़ी के साथ साथ चढ़ के अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके। बीजेपी एक बड़ी पार्टी, उसकी उसको सीढ़ी बना के अपने आप को एस्टेब्लिश करना, ये हनुमान बेनीवाल बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो हनुमान बेनीवाल अपने आप को किस स्तर पर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सिर्फ जातीय समीकरण के आधार? जातीय समीकरण के अलावा क्या है, किसान जातीय समीकरण और जाति। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, वो बंजारा समाज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी जी, सड़क पे उतर आए जी। तो ये जो किसान और जातीय समीकरण वाली बातें हैं, छोटे छोटे तबके के जो लोग हैं उनके साथ खड़े होना, उनकी बात करना, उनके लिए आवाज से आवाज मिलाना, ये एक सबसे बड़ी बात है। और ये एक सबसे सटीक उदाहरण है कि जब जब आपने छोटे लोगों के लिए बात करी है, जब जब आपने उस छोटे वर्ग के लोगों के लिए बात करी है, और आप सड़क पे उतरे हैं, आपने धरना प्रदर्शन किया है, आपने अपना वोट बैंक बहुत प्रबल कर लिया है। बिल्कुल, ये एक भारतीय स्ट्रेटेजी, भारत के देश के अंदर पार्टियों की एक कहीं ना कहीं प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के साथ ये लोग आगे बढ़ते। चलिए, ये तो जातीय समीकरण की बात हुई, अगर मुद्दों पर बात करने की बात आ जाती है तो क्या मुद्दे हैं आरएलपी के पास, क्योंकि बीजेपी के पास तमाम मुद्दे हैं, लेकिन आरएलपी के पास क्या मुद्दे रहेंगे? आरएलपी के पास तो एक ही मुद्दा है, खुद को सक्षम करना, सबसे पहला मुद्दा। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आरएलपी क्या चाहती है, आरएलपी ये चाहती है कि कहीं ना कहीं किसानों की बात की जाए जी, किसानों के कर्ज माफी की बात की जाए। आप देख लेना, इस चुनाव के अंदर अगर किसान सबसे बड़ा मुद्दा नहीं हो तो मुझे बता दें किसान, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पे किसानों को लेकर, किसानों की कर्ज माफी को लेकर, किसानों के क्रेडिट कार्ड को लेकर, किसानों के संचित क्षेत्र को लेकर, किसानों की फसलों को लेकर, किसानों के बीमा को लेकर, इन सारी चीज़ों पे गाय बगाए सवाल उठते रहे जी। दूसरा स्वास्थ्य को लेकर बात करेंगे कि स्वास्थ्य को लेकर जहाँ पर गाँव के स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो रही है, पीएससी सेक्शंस की जो हालत है उनको लेकर बात हो रही है। ये जो दो तीन मुद्दे हैं जो धरातल के मुद्दे हैं, जमीनी स्तर के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे ही बात की जाएगी, इसके अलावा और कोई बात नहीं कहेगी। न अर्थव्यवस्था पे बात होगी, न शिक्षा पे बात होगी, न किसी और चीज़ पे बात होगी, बात होगी वो इमोशनल टॉपिक पे बात होगी जिस पे सीधा जनता से जुड़ा जा जुड़ा है। अच्छा सर, अब जब नारायण बेनीवाल का नाम घोषित कर दिया है तो कांग्रेस को वो कितने बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में लेंगे? देखिए, नारायण बेनीवाल अगर खड़े हुए हैं तो उनके नाम को अगर कोई जानेगा तो हनुमान बेनीवाल के चेहरे से जाने, बिल्कुल जाहिर सी बात है ना, तो वो उतना ही पक्ष रख पाएंगे। हनुमान बेनीवाल को उतनी ही मेहनत करनी है जितनी वो खुद चुनाव में खड़े होते वो नारायण बेनीवाल को जिताने के लिए। अब हिरेंद्र मिर्दा या दिव्या, जो भी वहाँ पर मिर्दा फैमिली का खासकर वहाँ प्रभुत्व रहा है, तो अगर वो लोग उनमें से कोई खड़ा होता है तो एक बहुत ज़बरदस्त टक्कर मानी। चलिए सर, देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि ये राजनीति है, परिवारवाद यहाँ भी कहीं ना कहीं अब दिखने लगा है।
फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।